एमबीए का मतलब क्या फुल फॉर्म हो रहा है सर? जॉब में तो फोकस उतना नहीं किए है। फैमिली वाले को पता है कि नहीं? सर फैमिली वाले को तो पता था, चेन्नई गया है वहाँ भी। सर फिर भी मम्मी तो सपोर्ट नहीं कर रही है, पापा भी उतना सपोर्ट नहीं कर। हेलो एवरीवन, आई एम जय, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो गाइस, चाय वाला की तो पटना में धमाल मची रहा था, अब बर्गर का धमाल मचेगा। पटना में आ गए एमबीए बर्गर वाला, तो आइए उनसे बात करते हैं। गाइस, यहाँ पर आप लोग देखिएगा एसके पुरी पार्क है, मैं इसका ब्लॉग बना चुका हूँ, और यहीं पर इनका देखिएगा भैया का एमबीए बर्गर वाला है। कार्ड तो काफी खूबसूरत है, मैं अच्छा से आपको दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए। करण अर्जुन भी लिखा हुआ है भैया, क्या है? एक ही का नाम है, अलग अलग उनसे बात करेंगे, पूछेंगे क्या है। तो हम लोग साथ हैं भैया, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम करण कुमार हुआ सर। करण कुमार जी जी। और ये कब से स्टार्ट किए हैं सर? मेरा आज 15-16 दिन हो गया। अच्छा, 15-16 दिन जी जी। और कैसा रिस्पांस मिल रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, जो लोग मेरा बर्गर टेस्ट कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। मैं सोचा भी नहीं था कि मेरे बर्गर का ऐसा रिस्पांस मिलेगा, फिर भी हम सोचे थे सर, मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है और बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है। तो ये बर्गर मतलब एमबीए का मतलब क्या फुल फॉर्म हो रहा भैया? सर एमबीए का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ बिजनेस इंट्रोडक्शन। हाँ, तो आपके भी एमबीए बर्गर वाले का फुल फॉर्म ये है कुछ, है ना, कि अलग कुछ यूनिक रखे हैं? नहीं सर, वैसे बहुत सारे कस्टमर बोलते हैं, भैया लोग बोलते हैं आप एमबीए क्यों रखे। तो सर मेरा एमबीए का भी 2 साल का कोर्स होता है, सो मेरा अभी 6 महीना हुआ है और डिस्टेंस से कर रहे हैं। इस पर हम एमबीए पर फुल फोकस नहीं है और वो डिस्टेंस से कर रहे हैं, और साथ में अपना स्टार्टअप भी स्टार्ट किया है उसी नाम का। तो मतलब इसको आगे ले जाना या फिर आगे एमबीए वाला पढ़ाई वो आगे करना है, क्या प्लान क्या आगे का? सर अभी तो मेरा पढ़ाई पे बस ज़्यादा नहीं, 30-40% ही जा रहा है, अभी 60-70% तो मेरा स्टार्टअप में ही आ रहा है। अच्छा। और दोनों को साथ साथ ले चलना है आगे। तो मतलब इसको आगे बढ़ाना या फिर मतलब जॉब में कुछ फोकस करना, क्या सोचे क्या आगे के लिए? सर जॉब में तो फोकस उतना नहीं किए है सर, अपना ही स्टार्टअप आगे बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, मतलब इसी को आगे ले जाना है? जी जी। और क्या रेट वगैरह रखे हैं मिनिमम यहाँ पर खाने के लिए बर्गर? सर मेरा मिनिमम तवा बर्गर है, जो हम लोग फुल्ली बटर में फ्राई करके देते हैं, और जो मिनिमम 30 रुपीज़ का आएगा क्रीम बर्गर। अच्छा। और क्रीम मैक्रोनी मेरे पास है जो 40 का है, और एक मेरे पास अमेरिकन चीज बर्गर जो स्पेशल है वो 50 का है, और फ्रेंच फ्राइज 30 का है। भैया ये जो आप स्टार्ट किए इसके बारे में फैमिली, आपके फैमिली वाले को पता है कि नहीं? सर फैमिली वाले को तो पता था, चेन्नई गया है वहाँ पे पढ़ाई कर रहा है, फिर भी सर हमें इंटरेस्ट नहीं था। हाँ। फिर सोचे कि एमबीए कर रहे हैं, एमबीए करके तो कहीं पे बिजनेस करेंगे या किसी को बिजनेस को मैनेज करेंगे। फिर वहाँ पे 2-3 साल रेस्टोरेंट में काम किए और बर्गर बनाने का काम सीखे, और बर्गर बनाने का आइडिया ऐसा आया सर कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जब कोई कस्टमर मिडिल क्लास वाले जाते हैं तो उनको प्राइज बहुत हाई होता है, तो हम लोग यही सोच के लाए से हाई प्राइस को भी मिनिमम प्राइस में मिल सके जो मिडिल क्लास वाले खा सकते। मतलब ये अफोर्डेबल है, स्टूडेंट सब कोई भी खा सकता है यहाँ पर? जी जी, कोई भी खा सकता है, जो फुल रेस्टोरेंट जैसा ही टेस्ट लगेगा। अच्छा। नहीं, घर वाले को तो भी उतना पता नहीं है, फिर भी मम्मी और मेरे पापा को पता है। अच्छा। और बाकी किसी को पता नहीं। और कितने भाई बहन है आप लोग? सर हम 3 भाई है। 3 भाई जी जी। और सब क्या करते हैं? सर ये मेरा दोनों भाई का स्टार्टअप है, दोनों भाई मिल के कर रहे हैं। मेरा नाम करण है और मेरे भाई का नाम अर्जुन है। अच्छा, देखिए करण अर्जुन हम लोग को समझ में आ गया, वहाँ पर लिखा हुआ था, वही मैं सोचा क्या करण अर्जुन है। और एक और भाई आप क्या करते हैं? सर वो तो अभी घरे पढ़ते हैं। जी जी। मतलब अभी सब कोई पढ़ाई कर रहे हैं कि सब कोई कहीं कहीं है? नहीं सर, वो मेरा छोटा भाई पढ़ रहा है और एक मेरा छोटा, और जो मेरे से छोटा अर्जुन है वो भी पढ़ रहा है और मैं भी पढ़ रहा हूँ, और हम दोनों भाई करण अर्जुन मिलकर स्टार्टअप को चला रहे हैं। तो सबसे बड़े कौन है? आप हैं? सबसे बड़े हम हैं। अच्छा, आप ही हैं? जी जी। और घर में पापा मम्मी ये सब क्या करते हैं? पापा सर फार्मर है जो घर पे काम करते हैं, और मम्मी हाउस वाइफ है। जी जी। तो मतलब अब सपोर्ट कर रहे हैं घर वाले, गुस्सा रहे कि नहीं सब बंद करो छोड़ो ये सब कुछ? नहीं सर, फिर भी मम्मी तो सपोर्ट नहीं कर रही है, पापा भी उतना सपोर्ट नहीं कर रहे थे, सब पढ़ रहा है। हाँ। और मैट्रिक में भी अच्छा 70% नंबर आया था, और इंटर में भी साइंस से पढ़े तो 70-80% आया था, फिर भी ये काम कर रहे हैं तो सपोर्ट नहीं करेंगे, से इतना पढ़ लिखा इतना खर्चा हुआ और आगे चल के ये रेडी लगा रहा है, तो फिर आगे सपोर्ट करेंगे। मतलब उनको भी लग रहा है कि नहीं अभी ठीक नहीं है ये अभी काम करना ना, उनको लग रहा है क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। तो भैया का गैस बात की, अब यहाँ का कुछ बर्गर टेस्ट करते हैं और देखते हैं भैया जैसे बताया कि कुछ खाने में अच्छा लगता है कि नहीं, तो टेस्ट करके आपको बताते हैं। तो ये देखिएगा यहाँ पर हम लोगों को बर्गर का मिल रहा है बहुत सारा वैरायटी, बट यहाँ पर मेरे को एक स्पेशल दिख रहा है नूडल बर्गर, मैं पहली बार देख रहा हूँ नूडल बर्गर। यहाँ पर देख लीजिए बहुत तक आपको मतलब 5 क्वालिटी मिलने वाला बर्गर का, तो ट्राई करते हैं कुछ यहाँ पर नया। क्या खिलाएंगे भैया हम लोग को? सर आपको स्पेशल हम अपना अमेरिकन चीज बर्गर खिलाएंगे। तो देखिएगा जब हमारे अमेरिकन चीज बर्गर खाने वाले, क्या प्राइस है? 50 रुपीज का है, मतलब मिनिमम आपको 30 रुपीज का मिलने वाला स्टार्टिंग, फिर 35, फिर 40, फिर 50, फिर 30। टाइमिंग वगैरह क्या है खुलने का?
सर मेरा अभी का टाइमिंग सर 4 बजे से रात को 9:30 तक है। 9:30 तक जी जी। डेली का टाइमिंग है? जी डेली का अभी तो यही है। और आपका लोकेशन हमें सही रहता है अलग है? सर मेरा लोकेशन एसके पुरी पार्क बोर्डिंग कनाल रोड है, एसके पुरी पार्क के गेट पे है, गेट के बगल में, ट्रांसफॉर्मर के बगल में। भैया कमेंट भी आया था कि आकर यहाँ पर ब्लॉग शूट करने के लिए, मैं तो बिजी था नहीं आ पा रहा था, बारिश भी हो जा रहा था। तो कुछ आप लोग आए यहाँ देखिएगा लिखा हुआ है, अगर तुझे हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा कभी मत करना। वाह लाइन बहुत अच्छा भैया ने लिखा है। ज्यादा लोग यहाँ पर क्या खा रहे हैं भैया, कौन सा बर्गर? सर मेरा अभी मिनिमम ज्यादा लोग क्रीम बर्गर खा रहा है और अमेरिकन चीज बर्गर खा रहा है। सर मेरा तो चारों बर्गर का क्वालिटी चेंज है, सब अपने आप में सर अच्छा ही बर्गर है जी। नहीं नहीं सब मेरा डिफरेंस, सब बर्गर मेरा डिफरेंस है, एक प्रकार का किसी बर्गर में मेरा चार बर्गर चार फ्लेवर में टेस्ट आ रहा है। तो कोई भी गाइस आप लोग बर्गर ट्राई करिएगा तो सबका भैया फ्लेवर अलग है, मतलब टेस्ट आपको अलग लगने वाला है। लीजिए हमारा बर्गर हो गया रेडी। तो गाइस यहाँ का मैं बर्गर ट्राई कर रहा था, अमेरिकन चीज बर्गर, सच बोलूंगा बहुत ही अच्छा लगा। मेरे को लगा था ऐसे ही बोल लिया जाएगा बट सच बोल रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ से गुजर रहे हैं एसके पुरी पार्क, आप लोग जानते हो मैं यहाँ का ब्लॉग बना चुका हूँ, तो बर्गर यहाँ पर ट्राई करिएगा, अमेरिकन चीज बर्गर जरूर खाइएगा, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। रेटिंग का बात करेगा तो मैं उसको 10 में 10 देता हूँ। यहाँ का बर्गर बहुत बढ़िया। अच्छा है, कौन सा खा रहे थे? सिंपल चीज। ठीक है, टेस्ट कैसा? बढ़िया। चलिए गाइस भैया से बात करके बहुत ही अच्छा लगा, बर्गर भी मेरे को अच्छा लगा, फाइनली मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। तो अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। ओके बाय, टेक केयर।